लुधियाना च खौफनाक वारदात सामने आई है। एक दो बच्चों की मां को एक तरफा इश्क करने वाले सनकी ने उसके दोवे बच्चों का कतल कर दिता। हुण मां का रो रो के बुरा हाल है। कतल तो बाद सनकी आशक ने अपनी जिंदगी भी खत्म कर ली। इस घटना तो बाद दहशत का माहौल है, तो हर कोई उसको कोस रहा है कि उसने अजिहा कदम क्यों चुकया। तुसीं आप ही देख लवो। दैनिक भेज पंजाबी टीवी दे लुधियाना तो प्रदीप पंडारे दी रिपोर्ट। मीनू तिवारी। क्या मामला था, क्या हुआ था, क्या बात हुई? बात यह हुई थी कि वो मेरे पीछे पड़ा था, मैं उसको नहीं बोलती थी, नहीं मेरे बच्चे से बोलते थे मैं तेरा पापा हूँ, तो मेरे बच्चे मत उसके साथ मैं नहीं खेलने देती थी। तो मेरे साल भर से मेरे पीछे पड़ा था, पूरा बेड़ा भर आदमी जानता था। तो मैं सबसे मैं बताऊँ कि मेरे पीछे पड़ा, जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ वह जाता है। तो उसको कल मैं सरदार जी से बोली हूँ कि सरदार जी इसको यहाँ से भगा दीजिए, या मेरे पीछे पड़ा है। तो सरदार जी जब उसको बुलाए तो बोला कि मैं 13 तारीख को गांव जा रहा हूँ, मैं अब चला जाऊँगा, मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊँगा। और आज वो मैं पोछा लगा रही थी, पोछा लगा कर जैसे टोटी पर पोछा धोने के लिए गई, बस वहाँ रूम में घुसर गया और मेरे दोनों बच्चे को बाहर खेल रहे थे, बच्चे को पकड़ के अंदर कर लिया, कुंडी लगा के ताला भर लिया, मेरे बच्चे दोनों उसी में चिल्ला रहे हैं। तो मैं वहाँ से दौड़ी आई, मैं पूछी क्या हुआ था, बोला कि मम्मी सिलेंडर रूम में घुसर आया है। तो मैं बोली दरवाज़ा खोल, सारे आदमी जुट गए मेरा के, दरवाज़ा नहीं खोला। और वो मेरे बच्चे को चाकू लेकर गटई दोनों की गर्दन काट दिए, अपना भी ऊपर पंखा में लटक गया। आपके पति? अब हम मेरे पति गए हैं ड्यूटी, रूम पे नहीं है। वो आपने बताया अपने पति को? फोन दोनों यहीं पर रखे, एक मेरा भी रखा उसका भी यहीं पर रखा है। कितनी उम्र थी बच्चों की? एक 5 साल का है, एक 8 साल का है। वो कितने साल का था बंदा जो? ओ, है 28-29 साल का है वो भी। आप ही के यहाँ गांव का रहने वाला? मेरे गांव का नहीं, ना मेरे रिश्तेदार, ना मेरे गांव का है, वो बिहार का है, मैं यूपी की हूँ। पुलिस आई थी मौके पे? पुलिस नहीं आई थी अभी तक, कोई पुलिस की कार्रवाई नहीं। अब कार्रवाई पुलिस आई हुई, वहाँ पर फोन किया था, लेकिन मैं जब तक रहता तब तक नहीं आई पुलिस। कौन से इलाके में रहते हो? जमालपुर। कितने बजे की बात हुआ जी? कितने बजे हुआ? अभी 10 बजे की बात है। सुबह 10? हाँ। क्या नाम था उसका? उसका सलिंदर नाम है। आपके बच्चों का नाम क्या है? मेरे बच्चों का एक बड़ा वाले का रजनीश नाम है, छोटे वाले का मनीष। आपका नाम क्या है? मीनू तिवारी। ठीक है मैडम, अज एक इंसीडेंट होया दो बच्चों का, उसके बारे तुम्हें की? जी, राजीव गांधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन फोकल पॉइंट का इंसीडेंट हैगा। शैलेंद्र नाम के व्यक्ति ने दो बच्चों का मर्डर करके खुद सुसाइड किया। मैम, वेपन की यूज किया जी? शार्प एज्ड वेपन से जी। कारण की सामने आया? प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन दौरान यही सामने आया कि बच्चों की मदर नू स्टॉक करता सी, तो कल इन्होंने जो इन्हों का वेड़े का मालिक सी उहदे नाल इंटरनली कोई गलबात की सी रिगार्डिंग दिस इशू, एंड इन द मॉर्निंग We were informed about the incident. कह रहे थे कि अभी लास्ट ईयर तो वो तंग कर रहे थे, कुछ पहले कोई इन्फॉर्मेशन कोई पुलिस को कंप्लेंट दी थी? नहीं जी। सिमला शास्त्री का खुला चैलेंज, फोन ते पत्र कहने के समाधान, प्यार मोहब्बत, लव मैरिज, सौतन दुश्मन, नशे तो छुटकारा, डिवोर्स प्रलम, जादू टोना करवाना या तुड़वाना, वशीकरण मुत्तरनी दे माहिर, ए तो सेक्स समस्या का गारंटीड समाधान, तांत्रिक मालवियो, पंडित तो निराश, एक बार जरूर अजमान, 81468-13896, 81468-13896। पंडित M.K. शर्मा, फीस नहीं इनाम लवांगा, धोखा नहीं कम करांगा, माता रानी ने चाहिया ता खून दे हंजू नहीं आन देवांगा, पंडित मौलवी तो विश्वास खो चुके एक बार जरूर अजमाओ, पंडित M.K. शर्मा, प्रेमी प्रेमिका नु मिलाना, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, विदेश यात्रा च रुकावट, माता पिता नु मनाना, एक बार मिलाओ फोन ते जरूर अजमाओ अपनी किस्मत, करो संपर्क 97793-99956।